बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास ऑफ बायो सेकेंड ईयर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है, किन किन स्ट्रक्चर्स के जरिए होती है। तो हमने एनिमल्स में इनवर्टिब्रेट का भी जिक्र कर रहे थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रा, प्लेनेरिया और अर्थवर्म को डिस्कस किया था, उनके अंदर जो स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स थी उनको डिस्कस किया था। प्लेन एरिया जो उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन से जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा था, प्लेन एरिया के अंदर स्पेशल टाइप की प्रोटोनेफ्रिडियम पाए गए थे, अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रिडिया था, ठीक है। तो ये था हमारा कल का लेक्चर। आज हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है एक्सक्रीशन इन काक्रोचेस। काक्रोच जो उनसे है उसके अंदर कैसे एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। काक्रोच सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये होता क्या है और ये किस फाइला से बिलोंग करता है। तो मोस्टली कहा जाता है दे आर आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये, फाइलम आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है। स्टूडेंट, ये आप लोगों ने फाइलम जोन से हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स में जोन सा था एनिमेलिया, उसके अंदर आप लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये बेसिकली, और ये इंसेक्ट होते हैं, क्लास इंसेक्टा से ये बिलोंग करते हैं। तो मोस्टली ऐसे इंसेक्ट जो जमीन पर हमें मोस्टली दिखते हैं दे आर द इंसेक्टा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हम लोग उनको कहते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में जो काक्रोच है वो भी टेरेस्ट्रियल इंसेक्टा से ही बिलोंग करता है। इनके अंदर देखें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो सी है इनकी, ऐसी स्ट्रक्चर्स जो इनको एक्सक्रीशन में मदद देती हैं वो कौन सी हैं, दे आर द मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। इनके अंदर जो एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर्स हैं वो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आप लोगों को डायग्राम में भी नजर आ रही हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मेंशन की गई है इसको, ये ट्यूब्स हैं जिनके अंदर एक्सक्रीशन वगैरह होती है जो मदद देते हैं एक्सक्रीशन में। अब देखें मालपिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। कहते हैं इंसेक्ट जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं वो अडॉप्टिड हैं पहले की नस्बत। देखें जो हमने लास्ट लेक्चर में अपने फाइला वगैरह के जो डिफरेंट मेंबर्स उनके अंदर स्टडी किए थे, प्लेनेरिया वगैरह, अर्थवर्म, उनकी नस्बत जो काक्रोच है उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो सी है वो थोड़ी सी अडॉप्टिड है, वेल मॉडिफाइड है, थोड़ी सी चेंज है। क्योंकि हम लोग देखें स्टूडेंट हाई लोअर से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं, कि ऐसे स्टूडेंट जो एनिमल्स जो सिंपल थे, सिंपल से हम लोग कम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फिर पहले की नस्बत इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा बेहतर होगा, ठीक है। और इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो सी हैं ये क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं एक्स्ट्रा जो सा मटेरियल है या प्रोडक्ट जो सी है इनकी बॉडी के अंदर बनते फ्रॉम द हीमोलिम्फ। अब ये हीमोलिम्फ क्या है, हीमोलिम्फ से ये वेस्ट मटीरियल को कलेक्ट करती हैं। हीमोलिम्फ क्या स्टूडेंट, इनकी बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है ना उसको हम लोग हीमोलिम्फ का नाम देते हैं। अब हीमोलिम्फ क्यों कहा गया है इसको, आप लोगों ने देखा हीमोलिम्फ में और ब्लड में हमारा जो ब्लड है उसमें क्या डिफरेंस है। ये जो हमारा ब्लड होता है उसका रेड कलर होता है, जबकि हीमोलिम्फ जो सा होता है ये व्हाइटिश इन कलर होता है। और मोस्टली ये उन एनिमल्स के अंदर ये फ्लूइड पाया जाता है जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आप लोगों ने दो सिस्टम पढ़े होंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, हमारी बॉडी के अंदर देखें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही कन्फाइन होता है, उसके अंदर ही रहता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा ब्लड जोन से इन ब्लड वेसल से बाहर निकल जाए, हाँ, लेकिन कंडीशन क्या, कभी डैमेज हो जाए हमारी ब्लड वेसल देन वो बाहर निकल सकता है, ब्लड वहां से लीकेज हो सकती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये जो हमारा ब्लड है इन ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ब्लड अंदर ही ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है उसको हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो ब्लड जो सा है या फ्लूइड जो बॉडी का होता है वो ट्यूब से निकल के बाहर टिश्यूज को जाके बात करता है। जैसे अगर हम लोग देखें ये ट्यूब्स थी, इनके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, यहाँ पे टिश्यूज थे, ठीक है। और अब क्या होगा, ये वाला फ्लूइड जो सा है इस ट्यूब को छोड़ के इसकी तरफ सभी की तरफ आ जाएगा, टिश्यूज के सेल जो से इसको बात करवाना शुरू कर देता है,
ठीक है। तो जो इस फ्लूड के अंदर जो मटेरियल वगैरह होता है फिर डायरेक्ट इन टिश्यूज के जो सेल है इनके अंदर चला जाता है। मतलब जो लिक्विड है या फ्लूड है बॉडी का वो ट्यूब्स के अंदर कन्फाइन नहीं रहा, बाहर निकल आया है, तो इसलिए हम लोग इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मोस्टली फ्लूड जो सा ये इन ट्यूब्स के अंदर मूव कर रहा है वो हिमोलिम्फ होता है। तो कहते हैं हिमोलिम्फ से जो फ्लूड है वो कौन लेता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो सी हैं वो ले लेती हैं और फर्दर उसको आगे सेंड करती हैं एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो यही बात की गई है, जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हिमोलिम्फ से लेती हैं इन साइनेसिस। अब हिमोलिम्फ किन के अंदर, मतलब किस जगह पे पाया जाता है, साइनेसिस कहते हैं कैविटीज को, कॉकरोच की बॉडी के अंदर जो कैविटीज हैं वहां पे जो फ्लूड मूव कर रहा है हिमोलिम्फ, उनमें से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो सी हैं वो पिकअप कर लेती हैं वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, थ्रू सस्पेंडेड टब्यूलर स्ट्रक्चर्स। सस्पेंडेड टब्यूलर स्ट्रक्चर्स ये जो सस्पेंडेड हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको फिर हम लोग मालपिजियन टब्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रॉपरली डिफाइन कैसे करेंगे, मालपिजियन टब्यूल्स क्या है, दीज आर दी सस्पेंडेड टब्यूलर स्ट्रक्चर्स दैट एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एंड कलेक्ट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ इन साइनेसिस, ठीक है। जो हीमोलिम्फ के अंदर से वेस्ट मटेरियल को लेती है और फिर उसको एक्सक्रीट करने में रोल प्ले करती है, और ये ट्यूब्स कौन सी हैं, ये सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखें, कहते हैं दीज आर दी ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, सिर्फ यही एनिमल्स के अंदर ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक, कि ये जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था जहाँ पे हम लोग डाइजेशन वाला टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, डाइजेशन कॉकरोच भी आप लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पे आपने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रा किया था इस तरह, ठीक है। तो वहाँ पे हमने मालपिजियन ट्यूब्यूल्स का जिक्र नहीं था किया, क्योंकि इसका जो रोल है वो डाइजेशन में नहीं है बल्कि एक्सक्रीशन में है। तो देखिए ये जो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये किसके साथ लिंक है, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ। तो कहते हैं सिर्फ यही एनिमल का एक ग्रुप है जिनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो सा है वो एसोसिएटेड होता है इनके डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एनिमल्स के ग्रुप का बताएं जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मैच किया हुआ एसोसिएट है। नेक्स्ट देखें, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं फंक्शन ऑफ मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है, ये काम कैसे करती हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है काम करने का, ठीक है। तो देखिए जरा, एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये देखें, ये एक हम लोग यहाँ पे ट्यूब ड्रा करें, ये हमने एक ट्यूब ड्रा की है, ठीक है। ट्यूब के इर्द गिर्द जो सा है ये फ्लूड है हिमोलिम्फ, ये ट्यूब्स की जो वॉल है ये मेड अप ऑफ मिलके बनी होती है किन से, एपिथीलियम सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। एपिथीलियम के जो सेल है इन ट्यूब्स को बनाने में मदद देते हैं। कहते हैं जो एपिथीलियम लाइनिंग है इन ट्यूब्स की, इन सेल्स की बात करें, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं किन को, जो यहाँ पे हिमोलिम्फ के अंदर जो वेस्ट मटेरियल या सॉल्यूट है उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करती हैं किसके अंदर, सॉल्यूट फ्रॉम हिमोलिम्फ, जो सॉल्यूट है हिमोलिम्फ के अंदर, इन टू द ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्स। ल्यूमन क्या है स्टूडेंट, ये जो ट्यूब के अंदर खाली जगह है दैट इज द ल्यूमन, क्लियर। तो ये क्या है, ये ल्यूमन होता है, खाली जगह जो उनसे होती है ट्यूब के अंदर। तो बाहर से जो बाय सिंपल डिफरेंस भी कह सकते हो, बाहर का जो हिमोलिम्फ के अंदर जो वेस्ट मटेरियल या सॉल्यूट वगैरह थे वो आते हैं इन एपिथीलियम लाइनिंग को क्रॉस करते हैं और किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ल्यूमन के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। ल्यूमन क्या है, जो खाली सी जगह है, कैविटी है ट्यूब के अंदर, उसके अंदर आ जाते हैं। तो यही बात की गई है कि एपिथीलियम लाइनिंग जो सी है ट्यूब्स की, ये ट्रांसपोर्ट करती है सॉल्यूट को फ्रॉम हिमोलिम्फ, हिमोलिम्फ से वो सॉल्यूट या वेस्ट मटेरियल आता है और कहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है, इनटू द ट्यूब्स, ल्यूमन, जो उनसे ट्यूब्स हैं उनके ल्यूमन में इनको ट्रांसफर कर देती है,
क्लियर। तो इस तरह ये बाहर का जो वेस्ट मटेरियल है अपनी बॉडी के अंदर ट्यूब्स जो सी अपनी बॉडी के अंदर ले आती है। फिर क्या होता है, ये देखें, ये यहाँ पे आपको मालपिजन ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं। आगे फर्दर इनका हिंड गेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, जो इन्होंने बाहर से फ्लूड ट्यूब्स के अंदर लाए हैं, ये जो ल्यूमन के अंदर आया था, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सारा कलेक्ट होता है और फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इस वाले पार्ट में, डेट इज द हिंड गट। फिर लास्ट पे आप लोगों को रेक्टम सा एक नजर आ रहा है, एक स्वोलन पार्ट है, सूजा हुआ सा, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेक्टम। इस तरह का आपको कुछ नजर आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये क्या है, एक रेक्टम है, इसके अंदर आ जाता है और रेक्टम के ही जरिए फिर जोनसा है वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो बात काबिले गौर है, यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड भी आ रही है, ठीक है, और बाहर से जो मेटाबॉलिक, इसकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं अंदर बॉडी के, उनका वेस्ट मटेरियल किसने कलेक्ट किया, मालपिजन ट्यूब्यूल्स ने। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का अंदर जो फूड टूट रहा था उसका वेस्ट, और अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं उनका वेस्ट जो सा है, वो किधर कलेक्ट होंगे, इन हाइंड गट के अंदर, और फिर फर्दर रेक्टम के अंदर जाएंगे और रेक्टम से बाहर। मतलब एट अ टाइम दो चीजें रिमूव हो रही हैं, एक तो जो हमारे फूड का जो वेस्ट मटेरियल उनका होता है फीसिस की फॉर्म में, और दूसरा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो कॉमन ओपनिंग है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट, उन दोनों के लिए कॉमन ओपनिंग है रेक्टम। देखें जब मालपिजन ट्यूब्यूल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल आ जाता है, फिर उसको हिंड गट के अंदर सेंड कर दिया जाता है, फिर वहां से रेक्टम के अंदर चला जाता है। रेक्टम जो सा है वहां पे इसकी क्या करता है, रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। किसकी रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, पहले हमने अभी तक पढ़े हैं जितने भी, उनमें रीअब्सॉर्प्शन हमने अर्थ वॉर्म के अंदर पढ़ी थी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि उसके जगह ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उनके अंदर हमने देखा था। अब चूंकि यहाँ पे भी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, किस पार्ट पे जाके हो रही है, रेक्टम के अंदर। रीअब्सॉर्प्शन से मुराद जो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल आया था बाहर से, ठीक है, बॉडी के जो वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट था, इनके अंदर अगर कोई बहुत ज्यादा यूजफुल कंपाउंड वगैरह, साल्ट वगैरह है या वाटर वगैरह एक्स्ट्रा जो जा रहा है बाहर बॉडी से, हालांकि बॉडी को उन चीजों की जरूरत है, तो क्या किया जाएगा, इन साल्ट को या वाटर को यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है, और निकाल के दोबारा से इसको बॉडी पार्ट का ही हिस्सा बना दिया जाता है, बॉडी के अंदर वो चला जाता है, ठीक है, वाटर और साल्ट वगैरह को रीअब्सॉर्ब किया जाता है यहाँ पे रेक्टम पे। जबकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, हमने बात की है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हीमोलिम से आ रहा था, आर एक्सक्रीटेड, उसको रिलीज किया जाता है, बाहर बॉडी से निकाला जाता है एज सॉलिड एक्सक्रीटा। सॉलिड एक्सक्रीटा मतलब एक्सक्रीटा कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो सी है। तो क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा पानी वगैरह जो उनसे निकल गया होता है और दोबारा से बॉडी के ही पार्ट के अंदर शामिल हो जाता है, रेक्टम से निकल के बाकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो इनका फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो सॉलिड की फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा सॉलिड, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, वाटर उसमें ऐड होता है, लेकिन मोस्टली किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। जैसे आप लोगों ने देखा बर्ड्स के जो फीसिस होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही जो सॉलिड इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में होता है। और आपको पता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा शॉर्टेज इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या रिलीज करेंगे, यूरिक एसिड। क्यों, क्योंकि इनके अंदर से बहुत ज्यादा पानी निकाल दिया गया है, क्योंकि इनकी बॉडी को उस पानी की जरूरत थी, और इसने फिर अपना वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड की फॉर्म में, सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में रिलीज करते हैं। कहते हैं सम टाइम क्रिस्टल्स अलॉन्ग द फीसिस, के फीसिस के साथ साथ कुछ क्रिस्टल्स भी बनती हैं। क्रिस्टल्स का हमने कल भी बात की थी कि जब जो चीजें गाढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, सॉलिड की फॉर्म में आना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो क्रिस्टल्स भी बनती हैं। अब कहती है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मालपिजन ट्यूब्यूल्स जो सी हैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, कहते हैं इन रीअब्सॉर्प्शन जो सी हुई थी रेक्टम पे जाके, ठीक है, इसकी बात कर लें सबसे पहले कि रीअब्सॉर्प्शन की वजह से ये एनिमल्स इस काबिल होते हैं कि बहुत शॉर्टेज, शदीद पानी की कमी जहाँ पे हो जिन इलाकों में, ये जो एनिमल है उन इलाकों में भी सरवाइव कर सकते हैं।
हेल्प टू दिस एनिमल टू लिव इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है वहां पे भी ये एनिमल जो से हैं जिंदा रह सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट देखें, कहते हैं जो काकरोच है इनके अंदर डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, ऐसी करैक्टरिस्टिक या ऐसी बॉडी की अडॉप्टेशन जो बाकी एनिमल से हटके हो, सिर्फ इन एनिमल की वो प्रॉपर्टी हो. ठीक है, तो डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, जैसे हमने पीछे भी अभी डिस्कस किया है कि ये इंसेक्ट्स का ऐसा ग्रुप है जिनके अंदर एलिमिनेट जो वेस्ट मटेरियल वगैरह है वो किसके साथ होता है, वे बॉडी से रिलीज आउट किसके साथ हो रहा है, फीसिस के साथ. के इनकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल जो सा है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो सा है, वो फीसिस के थ्रू या फीसिस के साथ बॉडी से रिलीज आउट होता है. एक ही टाइम पे दोनों हो रहे होते हैं. ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो सा है एक टाइम पे वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो भी बॉडी से रिलीज हो रहा होता है, और जो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके रिजल्ट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो भी एक ही टाइम पे रेक्टम से रिलीज आउट हो रहे होते हैं. ठीक है, तो दैट इज द वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दैट ग्रुप. कहते हैं जबकि हम लोग स्टूडेंट, आप लोगों के नेट में मसला होगा, अपनी जरा पोजीशन चेंज करके देखें, आवाज क्लियर आ जाएगी. क्लियर? तो नेक्स्ट देखें, इन ऑल अदर ग्रुप जो से हैं, अगर हम लोग इनके अलावा बाकी इंसेक्ट या किसी और एनिमल की बात करें तो कहा जाता है कि ये ऐसे एनिमल हैं जिनके रिलेशन पाया जाता है जिनके किसके साथ, जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एसोसिएट होता है किसके साथ, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ. ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है. आवाज नहीं आ रही बच्चों को. नेक्स्ट देखें कि बाकी ग्रुप के अंदर देखें तो उनमें हमें कहीं भी जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है या इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है कहीं पे भी उनके दरमियान हमें एसोसिएशन या उनके दरमियान कहीं भी लिंक नहीं नजर आता. लेकिन ये जो कॉकरोच है इनके दरमियान जो डाइजेस्टिव सिस्टम और जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनके दरमियान लिंक पाया जाता है, एसोसिएशन पाया जाता है. यही बात यहाँ पे डिस्कस की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर रिलेशनशिप पाया जाता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल रिलेशनशिप किनके दरमियान, उनके न्यूट्रेटिव मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के दरमियान इनके रिलेशनशिप पाया जाता है. लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म जो से हैं उनके दरमियान ऐसा कोई भी एसोसिएशन रिलेशनशिप नहीं होता. क्लियर? तो ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है, आर्थ्रोपोड के अंदर कौन सा ऐसा एनिमल का ग्रुप है या इंसेक्टा है जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में रिलेशनशिप पाया जाता है. क्लियर? तो आप लोग फिर क्या आंसर करोगे इसका, कॉकरोचेस वगैरह है. ठीक है, तो बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एसोसिएशन नहीं होता. नेक्स्ट देखें, ये पीछे हमने जो पढ़ा था वो कॉकरोचेस के रिलेटेड था. नेक्स्ट देखें, एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है. कहते हैं वर्टिब्रेट के जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर मतलब वर्टिब्रेट का ओरिजिन किन से हुआ. जैसे हम लोगों ने देखा था सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बने थे वो वाटर में बने थे. ठीक है, उनसे आगे चेंजेस उनमें आती गए तो न्यू स्पीशीज बनती गई, उनमें चेंजेस आए तो इनवर्टिब्रेट फर्दर जो उनसे वर्टिब्रेट बने. वर्टिब्रेट बेसिकली हम लोग किनको कहते हैं, जिनके बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है. ठीक है, तो कहते हैं वर्टिब्रेट के एंसेस्टर्स कौन है. द इनवर्टिब्रेट्स जो कॉर्डेट है, मोस्टली कहा जाता है कि इनवर्टिब्रेट जो से हैं वो वर्टिब्रेट के एंसेस्टर्स हैं. और कौन से इनवर्टिब्रेट, जिनके अंदर
कॉर्डेट जिनको हम लोग कहते हैं कॉर्डेट, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड बनती है। नोटोकॉर्ड क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर है जिससे आगे वर्टिब्रल कॉलम में बनना होता है। तो अब देखें, ये इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, ये वाला ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे फिर बने हैं वर्टिब्रेट। इनके दरमियान में जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट का नाम देते हैं, ठीक है, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड बनती है और फिर बाद में वर्टिब्रेट जो में जब वो चेंज होते हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम बनना शुरू हो जाता है। कहते हैं जो इनवर्टिब्रेट, कौन से इनवर्टिब्रेट है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड वगैरह बनना शुरू हुई थी, जिनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स मौजूद थे, ठीक है। तो सेगमेंटली अरेंज एक्सपिरेटरी स्ट्रक्चर्स इनके अंदर पाई गई थी, जैसे हमने पीछे लास्ट लेक्चर में अर्थवर्म की बात की थी, ठीक है। अर्थवर्म के अंदर बॉडी जो सी थी उनकी सेगमेंटली अरेंज थी इस तरह, ठीक है, और हर बॉडी के हर सेगमेंट के अंदर अपना अपना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाई गई थी, पूरी बॉडी के अंदर वो फैली गई थी, और जिनको हमने मेटानेफ्रीडिया का नाम दिया था, ठीक है। तो जैसा कि अर्थवर्म की हमने बात की थी, तो कहते हैं मोस्टली जो वर्टिब्रेट के एंसेस्टर्स, जो इनके बहुत करीब करीब के एंसेस्टर्स हैं, वो कौन से हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर मेटानेफ्रीडिया वगैरह टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाई गई थी, क्योंकि उनके अंदर भी रीअब्सॉर्प्शन हो रही थी, और वर्टिब्रेट के अंदर देखें तो उनके अंदर भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे कि एनिमल्स वगैरह रीअब्सॉर्प्शन वगैरह करवाते हैं। यही बात यहाँ पे की गई है कि इनके जो वर्टिब्रेट के एंसेस्टर्स हैं वो कौन से हैं, इनके बहुत करीबी सेगमेंटली अरेंज इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। कहते हैं जो हैग फिश है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई हैग फिश की, इट इज द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट। प्रिमिटिव वर्टिब्रेट के मतलब सबसे पहले बनने वाले वर्टिब्रेट कहा जाता है इनको, ठीक है, हैग फिश, क्योंकि फिशेज ही सबसे पहले वर्टिब्रेट में फर्स्ट इनका फाइल वो आता है। तो जो हैग फिशेज हैं ये सबसे पहले या प्रिमिटिव वर्टिब्रेट कह सकते हो, फिर आगे इनमें मॉडिफिकेशन हुई तो वो कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह बने। तो कहते हैं हैग फिशेस के अंदर इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो क्या था? दिस करेक्टरिस्टिक इज वेल रिप्रेजेंटेड इन द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट हैग फिशेस। किस करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, जैसे हमने यहाँ ऊपर बात की है कि यहाँ पे सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, कि इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स पाए जाते थे और उनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो सी हैं वो अरेंज थी। तो ये करेक्टरिस्टिक भी हमने वर्टिब्रेट्स के अंदर देखी, लेकिन कौन से वर्टिब्रेट के अंदर? जो बहुत ज़्यादा प्रीमिटिव थे, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने या सबसे पहले बनने वाले वर्टिब्रेट थे, उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक देखने में आई। उसके बाद इन्होंने देखा कि इनके अंदर किडनी भी बनी थी, लेकिन किडनी के अलावा इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्स भी पाई गई थी, ठीक है, तो मतलब हर सेगमेंट से ट्यूब्स निकल रही थी, जो हर सेगमेंट का वेस्ट मटेरियल जो लेके आ रही थी वो किडनी की तरफ लेके आ रही थी, ठीक है। जबकि जो हायर वर्टिब्रेट है उनके अंदर क्या है कि हर जो सिस्टम है, जो नेफ्रॉन्स वगैरह ट्यूब्स वगैरह, वो सारी की सारी किडनी के अंदर ही क्लोज होती हैं, कहीं भी हमारे बॉडी के हर पार्ट तक नहीं वो गई होती, ठीक है। तो लेकिन इनके अंदर क्या था, हैगफिशेस के अंदर हर सेगमेंट से बॉडी के इनकी जो ट्यूब्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स निकल रही थी और आके वो किडनी तक पहुंच रही थी, ठीक है, और किडनी आगे फर्दर वो सारा काम कर रही थी। तो ये जो इनके अंदर सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स का जो देखा गया, ये किसके साथ रिजेंबल कर रही थी? इनवर्टिब्रेट, जैसे कि अर्थवर्म के अंदर था, उसके साथ मैच कर रही थी। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि हैगफिश जो है बहुत ज्यादा प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है, मतलब ये इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट के साथ थोड़ी बहुत मैच करती है, हम लोग कह सकते हैं ये इन्हीं से आगे फर्दर ओरिजिन इसका हुआ है हैगफिश का। क्लियर? नेक्स्ट देखें एवोल्यूशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट के अंदर एवोल्यूशन जो हुई, जो जो उनके अंदर चेंजेस आती गई, तो उन्होंने क्या देखा, जो जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एवोल्यूशन प्रोसीडेड, मतलब बढ़ती गई, ज्यादा उनके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आते गए इन अदर वर्टिब्रेट विद द, तो उन्होंने क्या देखा कि अपेयरेंस ऑफ किडनी, किडनी हर ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट के अंदर फिर नजर आना शुरू होगी, उनका प्रॉपर जो फंक्शन था प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया, किडनी बनना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो वेल डिवेल्प किडनी में चेंज होगी। ह्यूमंस की जो किडनी है वो बहुत ज्यादा वेल डिवेल्प है, ठीक है। तो फिर कहा क्या किया गया, किडनी के अंदर
बहुत ज्यादा ट्यूब्यूल्स को अरेंज कर दिया गया। जैसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन जितने के सारे हैं वो ट्यूब किडनी के अंदर पाए जाते हैं, हमें कहीं भी और नेफ्रॉन वगैरह नजर नहीं आते। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन में मदद देना, रीअब्सॉर्प्शन वगैरह करवाना, ठीक है। तो वो सारी स्ट्रक्चर्स जिन्होंने किडनी की मदद करनी थी, जैसे हमने पीछे कहा था कि ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स निकलती हैं सेगमेंट से, वो भी किसके लिए थी, किडनी को वो क्या कर रहे थे, आसानी देने के लिए थी। लेकिन अब क्या हो गया, हर वो सिस्टम जो सा था जो किडनी को मदद कर रहा था वो किडनी के अंदर आके अरेंज हो गया, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर वो चीजें सारी क्लोज होगी, ठीक है। जबकि पीछे जो से थे हर सेगमेंट से वो ट्यूब्यूल्स निकल रही थी, लेकिन जो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन होती गई तो उनके अंदर जो सेगमेंट से हर सेगमेंट से जो ट्यूब्यूल्स निकल रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के जरिए खत्म कर दी थी। अब जितना भी काम था वो सारा का सारा किडनी परफॉर्म करेगी, एक्सक्रीटरी जो सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स थी वो किसी भी हायर वर्टिब्रेट के अंदर हमें नहीं दिखी, ठीक है। उसके बाद जो किस तरह जो किडनी थी उसने अपना फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया, क्यों किया, क्योंकि उनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा डेंस कहते हैं बहुत ज्यादा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का जाल बिछ गया। जितनी ज्यादा कैपिलरीज होंगी उतना ही ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग किडनी देखें तो उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देख लें तो आपने देखा होगा उसके इर्द गिर्द क्या होता है, ब्लड वेसल्स वगैरह अरेंज होती हैं। ऐसे था ना, आप लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपने, ठीक है। इस तरह तो इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जो है ये ब्लड वेसल को शो करवा रहा है कि इन नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स मीन कैपिलरीज का नेटवर्क बिछ गया। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा था, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो सा था, या जैसे वाटर या साल्ट वगैरह यहाँ पे ज्यादा आ गए हैं, तो वो ये वाली जो ब्लड वेसल्स थी ये वाली इनके अंदर उसको भेज दिया जाता था ताकि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे कम वाटर या सल्यूट वगैरह ना हो जाए, ठीक है। इस तरह तो कहा जाता है कि फिर इनके इर्द गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क बिछा दिया गया, क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन हो और ऑर्गेनिज्म ड्राई कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। उसके बाद कहते हैं कि जो किडनी होती है उसका अंदर जो काम करने वाले यूनिट जोन से होते हैं, जैसे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर देखें तो कौन काम कर रहा है, सेल, हम लोग सेल को कहते हैं इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी या लाइफ। किसी भी जिंदगी को जिंदा रखने के लिए सेल बहुत जरूरी है, ना सिर्फ वो उसकी बॉडी बना रहा था बल्कि उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह कहते हैं नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं और वो कहीं मिल के अरेंज होके किडनी की शेप बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और वही किडनी के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन जो सा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी किडनी का, क्लियर। जो जो वर्टिब्रेट के अंदर एवोल्यूशन होती है तो ये वाले उन्होंने चेंजेस उन वर्टिब्रेट के अंदर देखी, सबसे पहले कि किडनी बहुत ज्यादा मतलब उसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो गया, उसका फंक्शन भी बेहतर होना शुरू हो गया, जो सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स थी वो खत्म होगी, उसकी बजाय प्रॉपर किडनी की शेप ने ले ली। फिर उन किडनी के अंदर जो थी ब्लड नेटवर्क जो सा था ब्लड कैपिलरीज का वो देखा गया और नेफ्रॉन को कहा गया कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है किडनी का, क्लियर। कहते हैं अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस वो कैसे होती है, ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। कहते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकरिंग, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं। वो क्यों होते हैं, कैटाबॉलिज्म होती है चीजों की, एनाबॉलिज्म होती है, क्यों हो रही है, ताकि हमारी बॉडी को सस्टेन किया जाए, लाइफ को मेंटेन रखा जाए, ठीक है। अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होंगे तो हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं ताकि जो हमारी लाइफ है उसको कंटिन्यू किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, ऑल द टाइम हर वक्त होते रहते हैं। तो उसके रिजल्ट में जब चीजें बन रही होती हैं, टूट रही होती हैं, तो उसके रिजल्ट में वेस्ट मटीरियल भी तो बनता है ना, तो उसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड और उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। स्टूडेंट मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, ऐसे वेस्ट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के रिजल्ट में बन रहे हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन जब हो रहे हैं उसके रिजल्ट में जो वेस्ट बनते हैं
उनको हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेटाबॉलिक वेस्ट? तो ऐसे वेस्ट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस या रिएक्शन के जरिए बनते हैं उनको हम लोग वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। अब कहते हैं टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिज्म जब चीजों की हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में कितने टाइप के जो वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और किस तरह प्रोड्यूस होते हैं वो देखें जरा। कहते हैं यूरिया बनता है बॉडी के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब अमाइनो एसिड्स टूटते हैं तो उसके रिजल्ट में यूरिया बनता है, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अमाइनो एसिड टूटते हैं और उसके रिजल्ट में यूरिया वगैरह बनता है, क्लियर। तो पहली मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? यूरिया। देन सेकंड वन इज द यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जोन से हैं वो बनते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं कैसे? न्यूक्लिक एसिड के टूटने से। न्यूक्लिक एसिड आप लोग बच्चे पढ़ चुके हो, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड के टूटने से जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए वगैरह। क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होते हैं। क्रिएटिनिन क्या है? इट इज अ वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जिसको कहते हैं वो होता है। किससे प्रोड्यूस होता है? हमारे मसल्स में ये प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि मसल के अंदर एक कंपाउंड बनता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट, ठीक है। क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है वो क्या कहता है, जब मसल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, क्विक एनर्जी उसको चाहिए होती है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो एनर्जी नहीं बन रही होती, तो फिर ये क्या करता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो किसको दे देता है? एडीपी को। ये अपना फॉस्फेट जो सा ग्रुप है एडीपी को दे देता है और फिर एडीपी जो सा है एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। तो केराटिनिन फॉस्फेट जो सा एक एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है, एनर्जी देने वाला कंपाउंड है। ये जो केराटिनिन है ये यूजफुल कंपाउंड है, लेकिन जब ये टूटता है तो उसके रिजल्ट में केराटिनिन बनता है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्लियर। बिलिरुबिन बनती है, ये क्या है, जब हमारे हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देती है, ठीक है। जब ये हीमोग्लोबिन टूटती है तो उसके रिजल्ट में बिलिरुबिन बनती है, डेट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर इसके इन चीजों के अलावा भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, इनके अलावा और भी बहुत से प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इसके अलावा कहते हैं जब हम लोग इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट किसी चीज को खा जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट लेके जाते हैं बॉडी के इनसाइड किसी भी फॉर्म में, अगर फूड है वो खराब फूड है, एडिक्टिव फूड है, मतलब इसके अंदर कोई जो ऐसी चीज जो हमारे लिए नुकसानदेह उसके अंदर वो फूड के अंदर वो पाई जाए, या ड्रग्स वगैरह है वो हम ले लें, मेडिसिन कोई गलत तरीके की जो चीज वो ले लें। उसके बाद पेस्टिसाइड हम लोग कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बाहर कहीं स्प्रे वगैरह हो रही है, पेस्टिसाइड्स कीड़ों वगैरह को मारने के लिए खेतों में स्प्रे करते हैं, तो अगर वो हम लोग वो एयर इनहेल अपनी बॉडी के अंदर कर लें, ले जाएं अपनी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर पेस्टिसाइड भी चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो हमारे लिए क्या है, एक वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कहते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनको क्यों एलिमिनेट बॉडी से करते हैं, इन वेस्ट मटेरियल को। कहते प्रेजेंस ऑफ वेस्ट इन द बॉडी, अगर ये वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे, इनकी प्रेजेंस जो सी है इट कॉज, तो इनकी प्रेजेंस जो सी वो कॉज करती है, वजह बनती है सीरियस हैजर्ड्स। सीरियस हैजर्ड बहुत ज्यादा शदीद बुरे असरात हमारी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, दस आर रिक्वायर्ड टू एलिमिनेटेड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इन चीजों को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, इन सारी चीजों को एलिमिनेट करना, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, इसलिए इनको बॉडी से सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जोन से हमारी बॉडी के अंदर वो कौन से हैं। समटाइम कहा जाता है जो हमारी स्किन है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्किन जो सी है वो उसके अंदर से वाटर और फ्लूइड वगैरह तो निकल रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी पर्पस के लिए निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको फिर वेस्ट नहीं कहेंगे,
अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से हमारे स्वेट ग्लैंड उनसे ओपन हो जाते हैं और पसीने को जो वाटर वगैरह उसको बाहर निकालते हैं। अब जो वाटर बाहर निकल रहा है वो वेस्ट नहीं होता, ठीक है? क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में ऑलरेडी पानी की कमी होती है, तो वो पानी की कमी जो उनसी है हम लोग क्या करते हैं, स्वेटिंग फिर भी ज्यादा हो रही है तो वो वेस्ट नहीं होता, ठीक है? तो स्किन को हम लोग वेस्ट या एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कहते।